27 साल पहले भी सनी देओल ने अक्षय कुमार को चटाई थी धूल। पाजी की फिल्म के आगे बुरी पीटी थी खिलाड़ी कुमार की फिल्म। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सनी देओल अक्षय कुमार पर भारी पड़े हों। 27 साल पहले भी अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच पर्दे पर क्लैश हुई, तब किसने मारी थी बाजी, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। 1996 में 8 नवंबर को पर्दे पर दो फिल्में रिलीज हुई थी, सनी देओल की घातक और अक्षय कुमार की सपोर्ट। उस जमाने में भी दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा गया था और उस जमाने में भी सनी देओल की घातक ने अक्षय कुमार की सपूत को पछाड़ दिया था। 90s के दशक में सनी पाजी की फिल्म ने इतनी तगड़ी कमाई की थी कि जो आज की पिक्चर्स भी नहीं कर पाती है। 6.5 करोड़ के बजट में बनी घातक ने बॉक्स ऑफिस पर 1996 में 84 करोड़ कमाए थे, जिसे साल 2023 के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो कुल लगभग 457 करोड़ की कमाई माना जाएगा। वहीं सपूत की बात करें तो अक्षय कुमार की इस फिल्म ने 11.74 करोड़ का ही बिजनेस किया था, जो घातक से कई गुना कम थे। अब कुछ ऐसा ही हाल पर्दे पर एक बार फिर से देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने 301 करोड़ 63 लाख का बिजनेस कर लिया है। वहीं OMG 2 ने 8वें दिन तक 89 करोड़ 80 लाख यानी कि लगभग 90 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि सनी पाजी की फिल्म से काफ़ी कम है। वैसे दोस्तों, आपको सनी पाजी और अक्षय कुमार में कौन ज़्यादा पसंद है कमेंट में लिखकर जरूर से बताइएगा।